सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े सादा अंतर्गत छोटे बच्चों से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के प्रवेश उत्सव का आयोजन जाजपुर विद्यालय में किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन ने फीता कार्ड का उद्घाटन किया व पुस्तकालय पार्क का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में BSA अरविंद कुमार पाठक, ABSA सरताज अहमद, DPO भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर चंद्रकांत शर्मा ने किया। टुंडला से वेजपाल सिंह परमार की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। डर गए करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में एक शंका होगी कि जो हमारे सरकार है वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है और आप लोग अपने बच्चों के लिए भेज रहे हैं। दो कैटेगरी के माँ बाप हैं, पहले जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। स्वागत करते हैं हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय। और म्यूजिक की देवी है, डांस जो भी कला होती है कला की देवी है और बसंत पंचमी की आने वाली है तो शारदा अभ्यास में हमारी आहुति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी क्रम में मेरी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है परंतु मेरा पता नहीं क्यों भक्ति भाव में मन हो रहा है कि मैं शारदा माँ को दो लाइनें एक्सेप्ट करूँ तो मैं कुछ गाऊंगी। मैडम, आज जो शारदा चलो स्कूल का अभियान के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, इसका क्या अभिप्राय है और लोगों में किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जो शारदा अभियान है उसका फुल फॉर्म है स्कूल हर दिन आए अभियान, और इसके तहत ये बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके माँ बाप को अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को प्रत्येक दिन स्कूल भेजें। इसका मेनली फोकस उन बच्चों पे है जो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं या फिर जो स्कूल आते आते किसी कारणवश ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उन सभी को वापस स्कूल में लाएँ, उनकी उसको परिधि में आएँ, क्योंकि अगर रोज़ स्कूल आएंगे तभी वो वहाँ की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, कंटिन्यूटी आएगी उनकी पढ़ाई। मैडम, कुछ ऐसा भी देखा जाता है जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें बच्चे अधिकता पढ़ते हैं और जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें कम बच्चे आ रहे हैं, ऐसे क्या वजह है? देखिए, मैं सभी आपके इस वीडियो से सभी माँ बाप से गुजारिश करना चाहूँगी कि यदि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है। यदि आप गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो भले ही आप अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं परंतु आप बच्चों को क्योंकि वो कुछ मानकों पे वो स्कूल खरे नहीं उतर रहा है, तो इस तरह से आप अपने भविष्य बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। तो यही मेरा आग्रह है कि अगर प्राइवेट स्कूल में भी भेजना है तो भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी और वरना हमारे सरकारी स्कूल को अच्छे से अच्छा बनाने में सहयोग करें।